ये बाकी सब लोग किधर हैं? सोग मना रहे हैं। उनकी माँ को सस्पेंड जो कर दिया। क्या मतलब? नजमुन निसा की बात कर रही हूँ, उसे बरतरफ कर दिया है। उजाला, ये तेरे लिए आया। इसमें शामिल तोहफा भी है। ठीक है, क्या है ये? तलाकनामा। बस कर दे शर्मा बाजी, चुप हो जाए। तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता? क्या कसूर है मेरा? किस बात की सजा दे रहे? तुम दोनों के बीच में कोई इख्तलाफ था, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बात हुई हो? आखिर हुआ क्या है? कुछ भी नहीं। कल रात को मेरी उससे बात हुई है, कह रहा था कि तोहफा भिजवाऊंगा। ये तोहफा भिजवाया तलाक के कागज। उसने मुझे कल को निकाल दिया। उजाला, मैं जानता हूं कि तलाकनामा तुम्हें कुछ देर के लिए दुखी और हैरान कर देगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम बहादुर भी हो और समझदार भी। इसलिए उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बात जरूर समझोगी। तुम्हारे साथ गुजरा हुआ एक एक पल मेरे लिए एक अनमोल सरमाया और मेरी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी है। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे और हमेशा करता रहूंगा, मगर मेरा मानना है कि मोहब्बत और खुदगर्जी आग और फूल की तरह होते हैं, और मैं खुदगर्जी की आग में अपनी इस मोहब्बत के फूल को राख नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपनी मोहब्बत पर तुम्हारी चाहत को तरजीह देते हुए तुम्हें आजाद करता हूं। मेरे नाम का अंधेरा अब तुम्हारी जिंदगी का उजाला नहीं छीन पाएगा। मैं तुम्हें जेल से तो आजादी ना दिला सका, लेकिन इस रिश्ते से दिला सकता हूं। बस एक शिकवा रहेगा तुमसे उजाला, इस काबिल भी नहीं समझा तुमने मुझे कि तुम्हारे दिल में छुपा सच भी जान सकता। अगर मुझे पहले मालूम होता तो तुम्हारी चाहत के रास्ते में अपनी मोहब्बत को कभी रुकावट ना बनने देता, कभी नहीं। खैर, जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, तुम्हें दे रही है उजाला। अब सिर्फ अपने दिल की सुनना, किसी और की नहीं। सिर्फ अपने बारे में सोचना। खुश रहो, तुम्हारा इफ्तिखार। बसे दीवार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।